of you, dear student. Today in 9th class we will start our poem number first, kavita number first, and kavita ka naam bete sakhya aur sabar. Dhyan se suniye, kaksha 9th hai, kavita number 1 hai, jo kavidas dwara likhit hai. Kavita ka naam hai sakhya aur sabar. Aaj hum फर्स्ट कविता स्टार्ट करेंगे. कविता का नाम रहेगा साखियां और सबद. वैसे तो शब्द होता है बेटे, लेकिन जो कबीरदास ने लिखित कबीरदास द्वारा लिखित जो पार्ट है उसका नाम रखा गया है सबद. जो कबीरदास है इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था, माना जाता है ऐसा कि इनका जन्म हुआ था 1398 में. इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में, यानी कि ये लगभग 120 साल तक जीवित रहे थे. सबसे बड़ी बात ये आज जिनको आज हम पढ़ रहे हैं, लगभग हर एक क्लास में इनके द्वारा रचित दोहे साखियां सबद वो मिलते हैं, लेकिन ये क्या थे बेटे? ये अनपढ़ थे. अनपढ़ होकर भी इतने गुणी थे कि आज लगभग हर एक पुस्तक में हम इनके द्वारा रचित दोहे कविताएं पढ़ते हैं. इनकी जो भाषा थी, जैसे मैंने बताया आपको कि ये अनपढ़ थे, इसलिए इनके द्वारा रचित जो भाषा थी वो सदुकड़ी भाषा थी. सदुकड़ी भाषा यानी कि खिचड़ी भाषा. खिचड़ी शब्द आप समझते होंगे, देखो उसमें काफी सारी चीजें हम मिक्स कर देते हैं, दाल भी होती है उसमें, चावल भी, मसाले वगैरह सब कुछ होते हैं ना, तो खिचड़ी भाषा यानी कि जिसमें बहुत सारी चीजों का मिक्सर होता है. तो इनके द्वारा रचित भाषा का नाम था सदुकड़ी. सदुकड़ी का अर्थ होता है खिचड़ी भाषा. हम पढ़ेंगे कबीरदास द्वारा रचित कविता जिसका नाम है साखियां और सबद. जो आज ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, साखियां अलग है और सबद अलग है. फर्स्ट पार्ट है इसका साखियां. साखियां जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? जो साखियां शब्द है ये साखी से बना है, और साखी का अर्थ है साक्षी, और साक्षी का अर्थ क्या होता है बेटे? जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, अपनी आंखों के सामने जिसे हम देखते हैं वो होता है साक्षी. अर्थात इन्होंने जो साखियां इसमें लिखी हैं वो कल्पनाशील नहीं है, इनको कबीरदास जी ने अनुभव किया है, देखा है समाज में, महसूस किया है, तब जाकर इन्होंने एक छोटा सा पार्ट लिखा जिसको नाम दिया साखियां. तो आज हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट कबीरदास जी द्वारा रचित है जिसका नाम है साखियां. पहली कविता का नाम साखियां. ध्यान से समझते चलना बेटे एक एक पद्यांश को. कवि कबीरदास जी कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनत न जाही. मान सरोवर, ये जो हमारा साखी का पार्ट है बेटे, इसमें तात्पर्य अर्थ बनेगा. ध्यान से समझते चलना. तात्पर्य अर्थ का अर्थ क्या होता है? दो अर्थ हैं इस इन दोनों लाइन में. मानसरोवर, मानसरोवर यानी कि तालाब. सुभर जल, सुभर का अर्थ पूरी तरह से भरा हुआ है, किससे? जल से. मानसरोवर सुभर जल यानी कि मानसरोवर पूरी तरह जल से भरा हुआ है. हंसा केली कराही, हंसा हंस, केली होता है क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी कि खेलना, कराही कर रहे हैं, और हंस उस मान सरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं. मुक्ता फल मुक्ता चुगई, और जो ये हंस है ना, आपने शायद सुना होगा कि जो हंस होते हैं ना वो सिर्फ मोतियों को खाते हैं, तो मुक्ता फल मुक्ता चुगई, वे हंस वहां पर मुक्ता चुगई मोतियों को चुग रहे हैं, क्योंकि मोतियों को ही खाते हैं ना वो. तो अब उड़ी अनत न जाही, अब उड़ी, अब उड़कर अनत यानी कि दूसरी जगह न जाही, नहीं जाना चाहते. क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उनको तो मानसरोवर में क्या मिल रहे हैं? मोती मिल रहे हैं चुगने के लिए, और हंस क्या खाते हैं? मोती खाते हैं. तो पहला अर्थ क्या है, यानी कि सामान्य अर्थ, सरलार्थ क्या बनेगा इसका? मानसरोवर पूरी तरह जल से भरा हुआ है, हंस उस मानसरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं, वे वहां पर मोतियों को चुग रहे हैं, इसलिए वे अब उड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहते. ये तो है बेटे इसका सरलार्थ. अब देखिए तात्पर्य अर्थ क्या बनेगा.
मानसरोवर। ये जो मान शब्द है इसमें अगर आप ये आ के मात्रा हटाओगे तो क्या बन जाएगा? मन बन जाएगा। ठीक है, याद रखना जो मानसरोवर वो किसका प्रतीक है? हृदय का। तो मानसरोवर यानी कि जो मनुष्य का मन है, सुभर जल, वह जल से नहीं किससे भरा हुआ है? भक्ति से भरा हुआ है। देखो मानसरोवर जल से भरा है ना, तो इसका तात्पर्य अर्थ क्या है? इसमें ना हर एक लाइन के अलग अलग तात्पर्य अर्थ बनेंगे, ध्यान से समझना। मानसरोवर सुभर जल यानी कि मनुष्य का जो मन है, जो हृदय है, वह सुभर जल, जल से नहीं भरा हुआ, किससे भरा हुआ है? भक्ति से भरा हुआ है। मनुष्य का मन भक्ति से भरा हुआ है। हंसा केली कराही और हंस केली कराही। अब ये जो हंस पक्षी है वो किसका प्रतीक है इस कविता में? आत्मा का। देखो सब शायद आपने सुना होगा कि हमारे अंदर एक आत्मा है, तो हमारा जो शरीर है वो किससे भरा हुआ है? वो तो भक्ति से भरा हुआ है। और हंसा केली कराही और जो हंस रूपी जो आत्मा है वो हमारे शरीर में क्रीड़ा करती है, रहती है। ठीक है, और हंस रूपी जो आत्मा है वो हमारे शरीर में निवास करती है। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, ये जो हंस रूपी आत्मा है वो हमारे शरीर में क्या करती है? मुक्ता फल, मुक्ता का अर्थ होता है बेटे मोक्ष, यानी कि इस संसार के आवागमन से दूर रह जाना, अपने पराये के चक्कर में न पड़ना। तो वे जो हंस रूपी आत्मा है वह क्या करती है? वह मोक्ष रूपी मुक्ता चुगे मोतियों को चुगती है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करती है। अब उड़ी अनत न जाही, आत्मा उड़ तो नहीं सकती ना, शरीर ही तो छोड़ती है, इसलिए वह आत्मा अब दूसरी जगह नहीं जाना चाहती। देखो जैसे इसमें कहा ना कि वह आत्मा क्या कर रही है? मोक्ष रूपी मोतियों को चुग रही है, मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। तो हमारे अंदर बेटे मन और आत्मा है, मन और आत्मा। मन हमें हमेशा गलत कार्यों की तरफ लेकर जाता है और आत्मा हमें हमेशा अच्छे कार्यों की तरफ लेकर जाती है। अगर हम सिर्फ हंस रूपी आत्मा की सुनेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? मोक्ष रूपी फल। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, इसलिए वह आत्मा उस शरीर को छोड़कर अनत यानी कि दूसरी जगह नहीं जाना चाहती। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी में नहीं है, तात्पर्य अर्थ थर्ड में बनेगा थोड़ा सा, फर्स्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझो। कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर पूरी तरह जल से भरा हुआ है, हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, वे हंस वहां मोतियों को चुग रहे हैं, अमुक्ता मोक्ष रूपी मोतियों को चुग रहे हैं, वे उड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। और इसका तात्पर्य अर्थ ही पूछा जाता ज्यादातर, जैसे तात्पर्य अर्थ में कि मनुष्य का मन रूपी जो सरोवर है, मनुष्य का जो मन रूपी जो शरीर है वह किससे भरा हुआ है? भक्ति से भरा हुआ है। हंसा के लिए कराही, हंस रूपी आत्मा उसमें क्रीड़ा कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वह जो हंस रूपी आत्मा है वह मोक्ष रूपी मोतियों को चुग रही है। अब उड़ी अनत न जाही, इसलिए वह आत्मा अब शरीर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। आई होप आपको बेटे समझ आ गया होगा। सेकंड देखो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौ प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कभी कबीरदास जी ने क्या कहा? प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। प्रेमी का अर्थ बेटे यहां हर जगह क्या है? सच्चा भगत। कवि ने कहा कि मैं एक सच्चे भक्त को ढूंढता हुआ फिरूं, घूम फिर रहा हूं। कवि ने कहा कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा हूं। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई भी सच्चा प्रेमी न मिले, नहीं मिल रहा है। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं एक सच्चे भक्त को ढूंढता हुआ फिर रहा हूं, मुझे कोई भी सच्चा भक्त नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिला, यदि एक सच्चे भक्त को दूसरा सच्चा भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत होए। तो इस संसार में जो विष फैला हुआ है, जो बुराइयां फैली हुई हैं, जो कड़वाहट फैली हुई है, वो किसमें बदल जाएंगी? अमृत में। यानी कि विष अमृत में बदल जाएगा, बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाएगी और पाप पुण्य में बदल जाएगा। कब? जब एक सच्चे भक्त को दूसरा सच्चा भक्त मिल जाएगा। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं एक सच्चा भक्त हूं, मैं दूसरे सच्चे भक्त को ढूंढता हुआ फिर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई भी सच्चा भक्त नहीं मिल रहा है। सब किस में विश्वास करते हैं? बाह्य आडंबरों में, पूजा पाठ में। कबीरदास जी निर्गुण भगवान में विश्वास रखते थे। प्रेमी को प्रेमी मिला, कबीरदास जी कहते हैं यदि एक प्रेमी सच्चे भगत को दूसरा सच्चा भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत होए, तो इस संसार में फैला हुआ सारा जो विष है
जहर है वह अमृत में बदल जाएगा, अर्थात बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाएगी और पाप पुण्य में बदल जाएगा। तो बेटे आज हमने दो साखी की हैं, क्योंकि पहली मतलब दो के बराबर ही है। बहुत अच्छे से आपको इनकी रीड करना है और बार बार वीडियो को देखना जब तक आपको ये समझ ना आ जाए।